हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो टैलेंट एंड आई एम नितिन परमार। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं चिपगेडॉन। चिपगेडॉन एग्जैक्टली क्या है? दोस्तों, लॉकडाउन के दौरान ठीक है कुछ कुछ चीजों की कमी होने लगी थी, ठीक है, जो एक सबसे बड़ा ग्लोबल स्कैर्सिटी क्रिएट हुआ था, दैट वॉज फॉर चिकन्स। ठीक है, चिकन्स की कमी हो गई। चिकन्स की कमी के बाद ये नया सिचुएशन आया, चिप्स की कमी हो गई। ठीक है, आजकल आप यूके में देखते होंगे, यूके में ड्राइवर की कमी हो गई, ट्रक ड्राइवर की कमी हो गई। ठीक है दोस्तों, ये लॉकडाउन और पैंडेमिक ने पूरे के पूरे लॉजिस्टिक सिनेरियो को बिगाड़ दिया। ठीक है दोस्तों, लास्ट ईयर जब लॉकडाउन लगा और उस समय पे चिप्स की कमी, क्योंकि चिप्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज शट डाउन हो गई, तो आसानी से चिप्स मिली नहीं, और सडनली देयर वाज अ ह्यूज डिमांड फॉर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, बिकॉज सब लोग घर पे बैठे बैठे काम कर रहे थे। वर्क फ्रॉम होम था, स्टडी फ्रॉम होम था, स्टे एट होम था। ठीक है, जिसकी वजह से लोग घर पे बैठे, लोगों को लैपटॉप चाहिए, लोगों को वॉशिंग मशीन चाहिए, लोगों को फ्रिज चाहिए, लोगों को एसी चाहिए, घर में इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की भरमार चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में इतनी सारी चिप्स लगी होती है कि भाई क्या बताए, किस तरीके से वो चिप्स मैन्युफैक्चरर्स को दिक्कत होने लगी, बिकॉज सडनली देर वॉज अ ह्यूज डिमांड। ठीक है, व्हेन सडनली देर वॉज अ ह्यूज डिमांड, देर वॉज नॉट इनफ सप्लाई। दोस्तों, चिप्स बनाना कोई बच्चों का खेल थोड़ी है कि कल उठ के हमने मैकडी जैसा बर्गर की दुकान खोल दी, ऐसा नहीं है। ठीक है, इवन चिप्स बनाना अगर मैं कंपेयर करूं, ठीक है, तो शायद प्लेन बनाने से भी महंगा है। चलिए बात करेंगे आज के सेशन में कि चिपगेडॉन का मतलब क्या होता है, और ये शॉर्टेज के मेन कारण क्या है, और ये शॉर्टेज कितना लंबा चलने वाला है, ये समझने की बात है। दोस्तों, चलिए फटाफट देखते हैं। पहले कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर का मतलब। दोस्तों, हम बहुत बेसिक से कहानी चालू करेंगे यहां पे। कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, ये कभी कभार एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि नीचे में से कौन सी चीज को कंडक्टर बोलते हैं। कंडक्टर इज विच इज इजीली कंडक्टिंग हीट और इलेक्ट्रिसिटी। प्राइमरली हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, सो जो इजीली इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर या इलेक्ट्रिकल करंट को इजीली पास कर दे, उसको कंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, व्हाइल सेमीकंडक्टर दे आर अ काइंड ऑफ मीडिएटर और अ काइंड ऑफ मिडल ग्राउंड होल्डिंग बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। इंसुलेटर इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं करता है, ये सुनो। सो जैसे प्लास्टिक हो गया, ठीक है, मतलब आपका लकड़ा हो गया, ठीक है, दिस आर बेसिकली इंसुलेटर्स, और सेमीकंडक्टर होता है उसके बीच में। ठीक है, अगर टेक्निकल में जाऊं तो यहां पे इसके पास करीबन ओनली वन वैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अवेलेबल इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, वाइल इनके पास चार वैलेंस होता है आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर, इनके पास एक ही होता है, तो वो एक आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स में इनसे निकलना बहुत इजी है। ठीक है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसेक्शन बहुत जल्दी होता है। ठीक है, यहाँ पे कंडक्टर जो काम करता है वो मेटालिक बॉन्डिंग की वजह से होता है, और यहाँ पे जनरली कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से होता है। कोवेलेंट बॉन्ड आर वीक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड आर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, जिसकी वजह से मूवमेंट बहुत तेजी से होता है, ये सुनो। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट भाई, इनका रेजिस्टेंस सबसे कम है, इनका रेजिस्टेंस बहुत हाई है इंसुलेटर का, और इनका रेजिस्टेंस भी हाई होता है। पर दोस्तों, आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी के वायर लगे हुए हैं, और वहां पे जो भी आप कंज्यूम करते हो, भले वो आपका जैसे बल्ब हो, ट्यूबलाइट हो, फैन हो, या ऐसा कुछ भी हो, एवरीथिंग इज रन ऑन सेमीकंडक्टर। ओके, हाँ, वायर के द्वारा जो चीजें आती है वो कंडक्टर है। ठीक है, कॉपर, एल्यूमिनियम, दे आर द कंडक्टर, सिलिकॉन, जर्मेनियम आर सेमीकंडक्टर, माइका एंड पेपर आर इंसुलेटर। ओके, चलिए तो अब हम बात करते हैं दोस्तों आर्मगेडन का मतलब क्या, और वहां से जो वर्ड निकला चिपगेडन का मतलब क्या। आर्मगेडन इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड, आर्मगेडन इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड, जहां पे ये आखिरी सिचुएशन है जहां पे लड़ाई करेंगे और सब कुछ खत्म हो जाएगा, ये पूरी अर्थ तबाह हो जाएगी, पूरी मानव जाति खत्म हो जाएगी। चिपगेडॉन के अंदर ठीक है ऐसा नहीं है। ठीक है भाई, बात उसके साथ ही बोला कि शॉर्टेज है, बड़ी परेशानी है। क्यों बड़ी परेशानी है? ठीक है, बहुत सारे डेटा है। सबसे पहला डेटा देखते हैं दैट मार्केट कैपिटलाइजेशन के मुताबिक सबसे बड़ी कंपनी ठीक है
वर्ल्ड में कौन सी है जो चिप मैन्युफैक्चर करती है, विच इज कॉल्ड TSMC, जो साउथ कोरिया की कंपनी है। सैमसंग, ठीक है, सैमसंग भी बड़ी कंपनी है, पर सैमसंग क्या है अनक्लियर है। कभी वो मतलब चिप मैन्युफैक्चरिंग बोल सकते हो, या ये ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर बोल सकते हो, OEM बोल सकते हो, वॉट एवर, बट अदरवाइज NVIDIA एंड इंटेल। NVIDIA और इंटेल का मार्केट कैपिटलाइजेशन काफ़ी कम है, TSMC का सबसे ज़्यादा है। हाउएवर 2001 में पूरे वर्ल्ड में करीबन 25 से ज़्यादा, रफली 30 के आजू बाजू कंपनियाँ हुआ करती थी जो चिप मैन्युफैक्चरिंग करती है। आज वो इतनी कम हो गई है, इतनी कम हो गई है कि पूरा का पूरा सप्लाई का दारोमदार उन 4 या 5 या 6 कंपनियों के ऊपर है, उससे ज़्यादा ही नहीं। जब 4-5 कंपनियों के ऊपर पूरे वर्ल्ड का दारोमदार होगा, तो इट इज़ बट ऑब्वियस कि उसकी वजह, कोई ना कोई ऐसे फैक्टर की वजह से सप्लाई साइड में कंस्ट्रेंट आएगा, और यही सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट है। ठीक है दोस्तों, USA की इंटेल, NVIDIA, या कोरिया की TSMC ले लीजिए, या ताइवान की अलग अलग कंपनी की, सॉरी ताइवान की TSMC और कोरिया की जैसे SMIC और सैमसंग ले लीजिए, तो भैया कहीं ना कहीं इन लोगों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है। ये देखिए, ये रहा डेटा विच टॉक्स अबाउट मेकिंग चिप कॉस्ट मोर देन मेकिंग अ प्लेन। प्लेन बनाना, ठीक है, बोइंग प्लेन बनाना इज अप्रोक्सीमेटली $6 बिलियन के आजूबाजू का खर्चा है, पर अगर प्लेन बना, सॉरी चिप बनाने के बारे में बात करें, सो इट इज कमिंग एट अराउंड 18 से $24 बिलियन के आजूबाजू घूमता है, विच मीन्स ऑन एन एवरेज कंपनी स्पेंड्स सम अराउंड 14 times व्हाट दिस पीपल आर, और सॉरी 3 times और 4 times द अमाउंट दे आर स्पेंडिंग। ठीक है, ह्यूज। क्या कारण हो सकता है इसका कि क्यों इतना ज़्यादा चिप मैन्युफैक्चरिंग में समय लगता है और पैसा लगता है? इट इज़ प्राइमरली रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर समय लगता है। दोस्तों, इंटेल के एक भाई साहब है, ठीक है, एंडी मूर, उन्होंने एक मूर्स लॉ दिया था। उन्होंने बोला था दैट आफ्टर एवरी 18 months नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स, ठीक है, विल डबल इन अ चिप। मतलब चिप के अंदर, छोटी छोटी चिप के अंदर, जिस जमाने में जितने ट्रांजिस्टर आते थे, आज इतने सारे आते हैं, ठीक है, एक छोटी सी चिप के अंदर इतना ज़्यादा एक मेमोरी के रिलेटेड चीज़ें पैक कर दी है, ठीक है, और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा R&D चलता रहता है, और मैन्युफैक्चर करने के लिए जो मशीन लगाने पड़ते हैं, ठीक है, जो मैन पावर चाहिए, ठीक है, जो सब चीज़ें चाहिए, वो बहुत ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड मैन पावर चाहिए, बहुत पैसा लगता है, एंड देयर बाई उसके ओवरऑल कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, आप समझ सकते हैं इस बात के लिए। और आप देखिए, चिप मेकिंग में अगर मेमोरी चिप के बारे में बात करें, कोरिया इज नंबर 1, वही लॉजिक चिप में अगर आप देखें तो ताइवान इज एट नंबर 1। लॉजिक चिप और मेमोरी चिप में क्या अंतर होता है? मेमोरी चिप में उसके अंदर मेमोरी स्टोर होती है, लॉजिक प्रोसेसिंग करके देता है, प्रोसेसिंग सबसे ज़्यादा ताइवान, ठीक है, बाद में USA, फिर चाइना, और उसके बाद बाकी सब में कम कम है। आप देख सकते हैं ताइवान, अब USA ने कोशिश करी है दैट वी आर गोइंग टू स्पेंड लॉट ऑफ मनी एंड मेकिंग आवर सेल्स चिप रेडी। ओके, इंडिया ने भी कोशिश करी है दैट हम चिप्स हम यहाँ पे खुद बनाएंगे, ताकि इंडिया में जो कार्स इंडस्ट्री, दैट इज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज को दिक्कत हो रही है, ठीक है, वो नहीं हो। दोस्तों, चिप्स का यूसेज सब जगह पे, कार में तो भर भर के चिप्स यूज होती है, ठीक है, एक चिप थोड़ी होती है, इतनी सारी चिप्स आप देखेंगे, आप गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, तो आप जो भी कौन सा गियर ले रहे हो, क्या स्पीड पे गाड़ी चल रही है, वहाँ पे चिप अलग चाहिए, म्यूज़िक बजाने के लिए अलग चिप चाहिए, जो आपका इंजन है उसको चलाने के लिए अलग चिप चाहिए, पता नहीं क्या क्या चाहिए, ये सुनो, ठीक है। और गलती से आपने अगर इंटीग्रेटेड मतलब वो AI वाली कार ले ली, तो पता ही नहीं माशाल्लाह क्या होगा, ठीक है। एनीवे, सो दिस आर द काइंड ऑफ सिनेरियो इज अवेलेबल। तो सबसे पहला सवाल आपके मन में होना चाहिए कि सर, ये सेमीकंडक्टर चिप क्या होती है? एक इलेक्ट्रिक सर्किट होती है, ठीक है, जिसमें ट्रांजिस्टर्स होते हैं, बहुत सारे वायर्स होते हैं, ठीक है, वो एक वेफर के ऊपर लगाए जाते हैं। प्राइमरली वर्ल्ड में 2 तरीके के वेफर बनते हैं, 300 mm का वेफर और 200 mm का वेफर। 300 mm का वेफर बनाना बहुत कॉस्टली होता है, 200 mm का वेफर बनाना काफ़ी सस्ता होता है।
200 mm का वेफर बनाने के लिए पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी कंपनियां हैं, 300 mm बनाने वाली कंपनियां बहुत कम है। ठीक है दोस्तों, ये भी समझना बहुत जरूरी है, कार में जो सेमीकंडक्टर चिप यूज होती है और बाकी आपके लैपटॉप में, आपके फोन में, आपके वॉशिंग मशीन में जो सेमीकंडक्टर चिप यूज होती है, उन दोनों में बड़ा अंतर होता है। कार में जो चिप यूज होती है वो थोड़ी स्टडी चाहिए, मतलब पुराने जमाने की टेक्नोलॉजी चाहिए। ठीक है, वाइल नए जमाने की टेक्नोलॉजी वाली चिप्स आपको जो मिलती है वो आपके फोन में और आपके लैपटॉप में मिलती है, जो बहुत स्टडी नहीं होती है, कार में काफी ज्यादा स्टडी होती है। ये सुनो, ठीक है, इसको पॉपुलरली आईसी बोलते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं। ठीक है, दैट इज आईसी, ध्यान रखिएगा, इसको कंफ्यूज नहीं करिएगा आईसी इंजन के साथ। आईसी इंजन दैट इज कॉल्ड इंटरनल कंबशन इंजन। ठीक है भैया, ये भाई साहब की तो दुनिया खत्म हो रही है। ठीक है, बाय द एंड ऑफ दिस डिकेड आईसी इंजन को लोग सजा के घर में रखेंगे और उसको हार माला पहनाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक कारों का जमाना आने वाला है। अब आईसी रिप्लेस होगा आईसी से। ठीक है, मतलब इंटरनल कंबशन इंजन विल बी रिप्लेस बाय इंटीग्रेटेड सर्किट। ये सुनो, आपके बड़े बड़े अप्लायंसेस इसी के ऊपर काम करते हैं। तो अगर आपको PS4 चाहिए या आपको Xbox चाहिए, तो भैया आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि आपके गेमिंग हार्डवेयर में जो चिप्स यूज होती है वो अभी मार्केट में मिलती नहीं है। मेडिकल इक्विपमेंट में भी परेशानी हो रही है। ये सुनो दोस्तों, आज जितने भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स या कंपोनेंट आते हैं, ठीक है, कार के अंदर, ठीक है, उनमें से 40% ऑफ द कॉस्ट ऑफ न्यू इंटरनल कंबशन ऑफ इंजन, ठीक है, इज अगेन से कमिंग फ्रॉम दिस इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहले 20% यूज होता था, आज ये बढ़ गया है। जब इस तरीके से बढ़ोतरी हो गई, ठीक है, सप्लाई साइड कम हो गई, डिमांड बढ़ गई, तो दिक्कतें तो जरूर होगी। ठीक है, क्या कारण है इस शॉर्टेज के? इज इट ओनली द COVID-19 लॉकडाउन? नो, अगर आपने ये सुना है कि सिर्फ COVID-19 की वजह से, लॉकडाउन की वजह से ऐसा हुआ, तो दोस्तों आपने उसको आधी इंफॉर्मेशन सुनी है, क्योंकि अगर लॉकडाउन की वजह से हुआ तो अब तो पूरा वर्ल्ड खुल चुका है, तो क्यों दिक्कत हो रही है? बहुत सारे कारण है। सबसे पहला कारण तो ऑब्वियसली लॉकडाउन था। लॉकडाउन ने मैन्युफैक्चरिंग की जो प्रॉब्लम थी उसको और बढ़ावा कर दिया। ठीक है, ये एक कास्केडिंग इफेक्ट हो गई। क्या बोलते हैं इसको? कास्केडिंग इफेक्ट हो गई। ऑलरेडी आपने देखा आगे कि भैया चिप मैन्युफैक्चर करना बहुत महंगा बिजनेस है, और इसकी वजह से बहुत कम कंपनियां काम करती है। जब बहुत कम कंपनियां उसके अंदर काम करती है, तो ऑब्वियसली दे आर ऑलवेज इन अ प्रेशर, एंड सडनली पूरे वर्ल्ड में अगर लॉकडाउन लग गया तो दिक्कत है। लॉकडाउन लगने से प्रॉब्लम नहीं था, लॉकडाउन लगा तो टेम्पररी कंपनियां बंद हुई। ये सुनो, चलिए बढ़िया, तो मार्केट में इजी सप्लाई था नहीं। ठीक है, अच्छा, जब लॉकडाउन खत्म हुआ, मैन्युफैक्चरिंग चालू हुआ, मैन्युफैक्चरिंग में कंजम्पशन बढ़ गया था। सब लोगों के पास लैपटॉप, सब लोगों को घर में नए वॉशिंग मशीन चाहिए थे, सब लोगों को लगा कि घर का एसी बिगड़ गया है या पुराना है, अच्छा नहीं लग रहा है, चेंज करो। सबको घर पर बैठ के नेटफ्लिक्स देखना था, तो टीवी चाहिए था, पता नहीं क्या क्या चाहिए था। ठीक है, तो जिसकी वजह से, ठीक है, उसका मतलब डिमांड बढ़ गया। ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने बताया, चिप मैन्युफैक्चरिंग इज ऑलरेडी अ स्ट्रेस बिजनेस, कोविड हैज एक्सेलरेटेड द एंटायर सिनेरियो, चिप मेकर्स आर रिस्पोंडिंग टू दिस डिमांड बाय इंक्रीजिंग कैपेसिटी, बट द इट टेक्स टाइम बिकॉज सेमीकंडक्टर फैक्ट्रीज कॉस्ट बिलियंस ऑफ डॉलर टू बिल्ड इट, एंड सोने पे सुहागा। क्या हो गया? सोने पे तो सुहागा नहीं बोलना चाहिए, ठीक है ना भैया। अगर आप देखें तो सेमीकंडक्टर बिजनेस की कंपनियों ने काम तो चालू कर दिया, पर लॉजिस्टिक सप्लाई में ऑल द मोर प्रॉब्लम आ गया। क्या प्रॉब्लम आया? ठीक है दोस्तों, ये समझिएगा कि आज की तारीख में अगर आपको एक कंटेनर भेजना है, एक बड़ी शिप भेजनी है, शिप भेजने का पहले खर्चा होता था $1,500 के आजूबाजू, आज ये हो गया $17,000 के आजूबाजू, विच मीन्स लॉजिस्टिक्स भी महंगा हो गया। विथ इंक्रीज इन लॉजिस्टिक कॉस्ट, नो बडी इज रेडी टू पे मोर मनी फॉर चिप्स, एंड देयर बाय चिप्स का सप्लाई साइड कम हो गया। मैन्युफैक्चरर्स ने हाथ खड़े कर दिए, तो बोला ये तो प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, अच्छा, ऑटोमोबाइल का जो प्रोडक्शन था, ठीक है, वो भी एक तरीके से देखा जाए तो कम हुआ। ऑटोमोबाइल वाले दुनिया बहुत अलग तरीके से काम करती है, उनको कोई भी चीज
स्टोर करके रखनी नहीं है ताकि ऑटोमोबाइल का खर्चा कम से कम हो, एंड दैट्स व्हाई दे गो विद अ जस्ट इन टाइम डिलीवरी मैकेनिज्म। ठीक है, जब वो मैन्युफैक्चर करने बैठेंगे तब वो इन्वेंटरी परचेस करके ऑन द स्पॉट ऑन द सेम डे लेकर आएंगे। ठीक है, तो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री इसी जस्ट इन टाइम डिलीवरी पे काम करती थी, अचानक कहानी बन बर्बाद हो गई और इसकी वजह से दिक्कत हो गई, जिसकी वजह से आज ठीक है डिले इन सप्लाई हो गया। ठीक है, सप्लाई डिले है, आज आप नई नई गाड़ी खरीदने जाओगे आपका वेटिंग पीरियड हो जाएगा 6 महीना 8 महीना 9 महीना 12 महीना। इसीलिए आज एक नया मार्केट क्रिएट हो गया विच इज कॉल्ड यूज्ड कार का मार्केट। ठीक है, ओके, इट इज पॉपुलरली नोन एज दी यू कैन से द बिजनेस ऑफ लेमन्स। ठीक है, ओके, बट स्टिल इट इज गोइंग ऑन इन अ बिग वे। न्यू स्टार्टअप्स लाइक cars24, cartrade.com, ठीक है, ये लोग आगे बढ़ रहे हैं, ये सुनो। ठीक है, सो दोस्तों ये सब तरीके की इंपैक्ट हो रहे हैं। आई बिलीव इन दिस मॉड्यूल यू गॉट अ कंप्लीट आइडिया अबाउट व्हाई चिप्स आर इन शॉर्टेज, व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर एंड हु आर गेटिंग इंपैक्टेड बाय दैट। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। अगर आपको ये पसंद आता है तो इसको लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए and don't miss out to put your you can say hand on that bell icon so that you can know when is our next module is coming. Okay, thank you and all the best.